हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। कुछ दिनों पहले मैंने ज़ेब्रा डेनियस की ब्रीडिंग के ऊपर 2 एपिसोड्स बनाए थे और ये आखिरी है क्योंकि इसमें बच्चे हैच हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छब्बीस तारीख को ब्रीडिंग होने के बाद आज दूसरा दिन है, 28/6/2020, और ये जो एग हैं इनमें एवोल्यूशन शुरू हो गया है बच्चों का। आप यहाँ देख सकते हैं रेड सर्कल के अंदर जो एक एग है उसके अंदर आप देख सकते हैं आपको बच्चा हिलता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर हैचिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ये पूरा बन चुका है, इसको एक दिन और लगेगा हैच होने में और इस एग से बाहर आने में। आप यहाँ देख सकते हैं हल्का हल्का ये हिल रहा है, और एक दिन बाद ये पूरा हैच हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे भी कई एग्स हैं, ये रेड सर्कल में आप जिसे देख रहे हैं वो भी हैच हो चुका है। यहाँ ये वाइट स्पॉटेड जो एग हैं वो ख़राब हो चुके हैं, और ज़्यादातर इसमें जो अंडे हैं वो सारे हैच हो चुके हैं, इनमें बच्चे बन गए हैं, और ऐसे लगभग 50 से 60 अंडे हैं। और ये सभी हैचिंग प्रोसेस में ये यहाँ पर आप देखिए, आपको इस अंडे में साफ बच्चा एकदम नज़र आ रहा होगा। ये सब बन चुके हैं, इनको एक दिन और लगेगा बनने में। चलिए अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। फिर तो फ्रेंड्स, आज है 29/6/2020, और यहाँ आप देख सकते हैं रेड सर्कल में एक बच्चा निकल आया है, और जैसा कि आपको यहाँ पे एक रेड सर्कल दिख रहा है, इस रेड सर्कल के अंदर देखिए 3 एग्स हैं बिल्कुल साथ में लगे हुए, और वहाँ पर वो बच्चा है। एक बार लाइट जलाकर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये बहुत बारीक है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए हिलता हुआ दिखा आपको, ये देखिए तैर रहा है। मैं फ्लैश एक बार ऑफ करके दोबारा आपको दिखाता हूँ, शायद दिखे। ये देखिए देखिए ये तैर रहा है, और यहाँ पर और भी कम से कम 10-12 बच्चे हैं जो हैच हो चुके हैं। एक मिनट, ये देखिए आप सर्कल के अंदर, और अभी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इन पर कोई कलर नहीं है। इनमें कलर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते बाद आएगा, और 2 हफ्ते बाद ये बिल्कुल देखने में लगेगा कि मछली के ही बच्चे हैं, ये मछलियों जैसा तैरना शुरू कर देंगे। और ये देखिए ये तैरना शुरू कर दिया है। यहाँ पर और भी हैं, लेकिन ये टैंक थोड़ा लंबा है और पानी थोड़ा धुंधला होने की वजह से दिखेगा नहीं। वहाँ तक जितने भी अंडे हैं उनमें हर 10वें अंडे में 5-6 बच्चे हैच हो चुके हैं, और मैंने यहाँ पर मिलियन बबल्स जो होती है, जिसको हम ज़्यादातर एक्वेरियम का लट्टू बोलते हैं, एक्वेरियम बबल्स वाली, मैंने वो लगा दिया है ताकि पानी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, पानी में ऑक्सीजन बना रहे। ये देखिए तैर रहा है कितने अच्छे से। तो चलिए अब अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जाने से पहले एक छोटी सी बैड न्यूज़, ये मेरे चैनल पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो ज़ेब्रा डेनियस के बच्चे थे और ये हैच हो चुके थे अच्छे से, लेकिन मुझे 30 तारीख को शादी में जाना पड़ गया और अचानक से लाइट कट हो गई घर की, और जब तक हम लौटे शाम को लाइट तब तक आई नहीं थी, और पानी गर्म होने की वजह से बच्चों का दम घुट गया और उसमें कई बच्चे मर गए। कई ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई भी बचता है तो मैं उसकी वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को, और पूरी एक क्लिप मैं अच्छे से बनाऊंगा उनके बड़े होते तक की। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।